मैं डॉक्टर प्रेम वल्लभ देवली, सहायक प्राध्यापक भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। आज वेप्स द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे शोध पत्र का जो विषय है वो है सामाजिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सर्मापणि संवाद। वेद भारतीय धर्म जीवन और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। जिस प्रकार प्राण के बिना जीवन, उसी प्रकार वेदों के बिना धर्म आदि। वेदों का स्थान इहलोक और परलोक विचार में सर्वश्रेष्ठ है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त सर्मापणि संवाद सूक्त है। इसके ऋषि प्रणयः असुर है और देवता सर्मा है। विशेषतः 2, 4, 6, 8, 10 एवं 11 मंत्रों में ऋषि का है सर्मा देवशुनि, शेष बचे सभी मंत्रों में देवता है प्रणयः। इसका छंद त्रिष्टुप है। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त है। सर्मापणि आख्यान के माध्यम से गूढ़तम संदेश को ऋषियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वेद व्याख्यान की अनेक परंपराएं हैं तथा वेद मंत्रों के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। इस सूक्त पर भी अनेक भाष्यकारों के भाष्य प्राप्त होते हैं। तथापि आज आधुनिक संदर्भ में इस सूक्त पर विचार करने की महती आवश्यकता है। वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि मैं अभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले पारंपरिक रूप से सर्मापणि का एक बार परिचय मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। सर्मापणि संवाद में सर्मा एक देवशुनि है, पणि असुर है। पणियों ने आर्यों की गायों को चुरा कर कहीं गुफा में रखा है। इंद्र ने देवशुनि सर्मा को उन्हें खोजने और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा। सर्मा पणियों को इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। सामाजिक संसाधनों पर नियंत्रण करने वालों के प्रतिनिधि के रूप में पणियों का चित्रण, जो कि मेरे शोध पत्र की द्वितीय हेडिंग है। समाज में सदैव एक ऐसा वर्ग उपस्थित रहता है जो सामाजिक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। ऐसे जमाखोर लोग सामाजिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तथा छिपाते हैं। इस सूक्त के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पणि भी निश्चित रूप से इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक कालीन समाज में गायें बहुत बड़ी संपत्ति थी। पणियों ने गायों को चुराया तथा गुफाओं में छिपा दिया। जब सामाजिक संसाधनों पर जमाखोरों का नियंत्रण होता है तो यह निश्चित है कि समाज में विद्रोह उत्पन्न होगा। संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने वालों के प्रति संगठित सामाजिक प्रतिक्रिया, ये तृतीय इस हेडिंग है इस शोध पत्र की। जब जब दुष्ट प्रवृत्ति समाज की संपत्ति पर एकाधिकार करने का प्रयत्न करती है तो उसके विरोध में सामाजिक प्रतिक्रिया का होना निश्चित है। उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संगठन तैयार होता है। उसी दृष्टि से देवताओं का पणियों के विरोध में संगठन तैयार हुआ, जिसका नेतृत्व इंद्र कर रहे हैं। प्रतिक्रिया भीषण भी हो सकती है, परंतु यहाँ यह व्यवस्थित संगठनात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें कि अत्यंत आक्रामकता न दिखाकर पहले संवादात्मक शैली से समस्या का निदान है। इंद्र द्वारा इस आख्यान में इस शैली को अपनाया गया है, जो कि सर्वथा उचित है। देवशुनि शर्मा राजदूत के रूप में संवाद स्थापित करने का कार्य कर रही है। कार्य सिद्धि हेतु बाधाओं को सहन करने की कला शर्मा में हम देखते हैं। देवशुनि शर्मा अनेक संघर्षों को तथा बाधाओं को सहन करते हुए कार्य की सिद्धि में सक्रिय है। वह गहरी नदियों को पार करके गौवों को ढूंढने आई है। समाज के हित में लगे हुए सज्जनों को कार्य सिद्धि में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शत्रुओं से संवाद स्थापित करने की कला, जो कि हम शर्मा में देखते हैं। जब दो राष्ट्रों का आपस में युद्ध होता है तो एक विपक्षी राजा से दूसरे राष्ट्र के राजदूत को कैसे वार्तालाप स्थापित करना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें इसी आख्यान से प्राप्त होता है। क्योंकि शर्मा इस सूक्त में राजदूत की भूमिका का ही निर्वहन कर रही है। राजदूत को अत्यंत आक्रामक न होकर शांतिपूर्ण रूप से अपना संदेश संप्रेषित करना चाहिए। शर्मा ने पहले शांति की बात कही, तदनंतर सामदान दंड का भय दिखाकर अपने राजा की वीरता को शत्रु रूपी पणियों के सामने रखा। कार्य सिद्धि में विघ्न रूप में उपस्थित होने वाले प्रलोभनों का परित्याग। व्यक्ति का त्याग ही समाज में निस्वार्थ वातावरण उत्पन्न करता है। त्याग ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। यह सत्य है कि जो समाज का प्रतिनिधि बनता है उसे समाज द्वारा अनेक प्रलोभन प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से प्रतिनिधि
प्रलोभनों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, समाज की चिंता छोड़कर प्रलोभनों को स्वीकार कर लेते हैं। शर्मापणि आख्यान हमें यह बताता है कि प्रलोभनों के सामने हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शर्मा को पणियों ने अनेक प्रलोभन दिए, परंतु शर्मा अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुई, क्योंकि दृढ़ संकल्प वाले न्याय के मार्ग का परित्याग नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में शर्मापणि का जो आख्यान है, थोड़ा उसके विषय में भी कुछ बात मैं प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम ऋग्वेद में शर्मापणि आख्यान हमको मिलता है। पणि उस समय का कोई जन समुदाय था। वल नामक असुर के गण पणियों ने इंद्र की गायें चुरा ली थी, जिसे बृहस्पति ने देख लिया। बृहस्पति की सूचना इंद्र ने शर्मा नामक शुनि को गायों की खोज के लिए भेजा। जैमिनीय ब्राह्मण में ऋग्वेदीय आख्यान के विपरीत देवता पहले सुपर्ण को चोरी की गई गायों को खोजने के लिए भेजते हैं। सुपर्ण पणियों से रिश्वत लेता है और इंद्र के पास वापस लौटता है। इंद्र सुपर्ण को दंडित करता है। इसके अनंतर वह शर्मा की गायों के अन्वेषण हेतु भेजते हैं, जो कि गायों की जानकारी लेकर इंद्र के पास लौटती है। पौराणिकों के अनुसार जब देवताओं की गायों का असुरों ने अपहरण कर लिया, तब इंद्र ने शर्मा नामक शुनि को इसका पता लगाने के लिए असुरों के पास भेजा। आचार्य शौनक प्रणीत बृहद देवता के अनुसार पणि नाम के असुरों ने, जो कि रसा नाम की नदी के पार रहते थे, उन्होंने इंद्र की गौओं का अपहरण कर दिया। बृहस्पति ने इसे देख लिया तथा इंद्र को बताया। इंद्र ने शर्मा को दूत बनाकर पणियों के पास भेजा। शर्मा उन दिव्य गायों का दूध पीने के लिए ललचाती है, जिन्हें पणियों ने छुपाया था। पणि उसे दूध प्रदान करते हैं। इंद्र द्वारा गायों के बारे में पूछे जाने पर वह नकारात्मक उत्तर देती है, जिससे इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र द्वारा उसे दंडित किए जाने पर वह पिए हुए दूध का वमन करती है और इंद्र को पणियों तक पहुंचने का मार्ग बताती है। इंद्र पणियों को मारकर गायों को मुक्त करते हैं। अब शर्मा पणि संवाद के विविध निहितार्थ जो हैं उनको देखते हैं। विद्वानों ने शर्मा पणि संवाद की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। वैदिक काल के अधिकतर आख्यान प्राकृतिक व भौतिक शक्तियों का मानवीकरण है। निरुक्त में आचार्य यास्क ने शर्मा पद को गत्यर्थक श्री धातु से निष्पन्न माना है। नैरुक्तों के अनुसार शर्मा मेघ ध्वनि का वाचक है, ध्वनि गमन करती है, अतः शर्मा कहलाती है। निरुक्त के व्याख्याकार आचार्य दुर्ग ने स्वकीय व्याख्या में नैरुक्तों के मत प्रस्तुत करते हुए शर्मा को माध्यमिक वाक स्वीकार किया है। आचार्य सायण ने शर्मा पद का शीघ्रगामी अर्थ किया है। रसा पद का अर्थ आचार्य सायण अंतरिक्ष में उपस्थित योजन शत विस्तीर्ण मेघ रूप नदी करते हैं। यजुर्वेद के 33वें अध्याय में प्रयुक्त शर्मा पद का आचार्य उवट था महीधर ने स्वकीय भाष्य में वाणी अर्थ किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रयुक्त शर्मा पद का अभिप्राय स्वकीय भाष्य में विद्या धर्मादि बोधों को उत्पन्न करने वाली माता स्वीकारा है। रॉल्फ थॉमस हॉजकिन ग्रिफिथ ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उसके अनुवाद में शर्मा को सूर्य की रश्मियां तथा पणियों को रात्रि का अंधकार स्वीकार किया है। महर्षि अरविंद के अनुसार शर्मा पणि संवाद प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई विकृत रूप नहीं है, अपितु यह प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच होने वाला एक आलंकारिक युद्ध है। उनके अनुसार यह बहुत ही स्पष्ट है कि शर्मा प्रकाश रूपिणी उषा की कोई शक्ति है और गौएं प्रकाश रूपिणी उषा की ज्योतियां। यह अवश्य ही मानवीय मन के अंदर सत्य का अन्वेषण करने वाली कोई शक्ति है, जो कि मानवीय सत्ता में अज्ञान के अंधकार में छिपे पड़े सत्य को खोज लाती है। निश्चित रूप से यह वह शक्ति है जो पराचेतन सब कॉन्शियस ट्रुथ से अवतीर्ण होकर आई है, हमें उस प्रकाश तक ले जाती है जो हमारे अंदर अवचेतन में छिपा पड़ा है। ये सभी लक्षण अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर घटित होते हैं। उनके अनुसार शर्मा का कार्य ठीक वही है जो कि अंतर्ज्ञान का होता है। वह सीधे सत्य पर पहुंचता है तथा अंधकार तथा झूठे आवरण के अंदर से सत्य को निकालकर मुक्त कर देता है। उसके माध्यम से ही मन स्वतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। श्री अरविंद के अनुसार ऋग्वेद में जिस युद्ध और विजय का वर्णन हुआ है, वह कोई भौतिक युद्ध और लूटमार नहीं है, अपितु वह एक आध्यात्मिक संघर्ष और आध्यात्मिक विजय है। आचार्य यास्क के अनुसार पणि पद वणिक का वाचक है। उनके अनुसार व्यापार करने के कारण पणि कहलाया। यह पद व्यवहारार्थक पण धातु से इन प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। निरुक्त के भाष्यकार दुर्गाचार्य के अनुसार व्यापार करने के कारण पणि कहलाया,
वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक नहीं करता। पणि शब्द पुल्लिंग में कृपण, जो यज्ञ की आहुतियों की बचत करता है तथा दक्षिणा देने में अत्यंत कृपण है, तथा स्त्रीलिंग में बाचा बाजार का वाचक है। यह शब्द लोभी और अपावन, जो कि अपने कर्मों से अपवित्र है, उसका भी वाचक है। मोनियर विलियम प्रणीत संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश में पणि ऐसे ठगों का पर्याय है जो पुरोहित दिखाई देते हैं परंतु है नहीं, जो कि ईर्ष्यालु लोगों का एक समुदाय है। पणि के लिए रेवत, असुन्नत, अराधस, वैकटा, वेकनाट जैसे विशेषण प्रयुक्त होते हैं। इनका अर्थ क्रमशः धन संचयी, यज्ञ व दान न करने वाला, धन न देने वाला व सूदखोर है। श्री अरविंद के अनुसार पणि सत्य के विचारों के अवरोधक, ज्ञान रहित अंधकार में निवास करने वाले, आध्यात्मिक प्रकाश के शत्रु, दिव्य सत्य और दिव्य विचार के शत्रु हैं। उनके अनुसार पणि वे शक्तियां हैं जो जीवन की अप्रकाशमान इंद्रिय क्रियाओं की अधिष्ठात्रियां हैं, जिनका मूल अंधकारमय अवचेतन की भौतिक सत्ता में होता है, न कि दिव्य मन में। मनुष्य का सारा संघर्ष इन क्रियाओं को हटाकर इसके स्थान पर मन और प्राण की दिव्य क्रिया को लाना है। श्री अरविंद के अनुसार वैदिक विचार यह था कि अवचेतन अंधकार के अंदर तथा सामान्य अज्ञान रूपी जीवन में वे सभी ऐश्वर्य छिपे पड़े हैं जो दिव्य जीवन से संबंध रखते हैं। इन गुप्त ऐश्वर्यों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य है। इन्हें प्राप्त करने का मार्ग यही है कि अज्ञान की शक्तियों का नाश किया जाए और निम्न जीवन को उच्च जीवन के अधीन किया जाए। गौपद के विषय में विभिन्न व्याख्याकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। गौपद के अलग अलग अर्थों के कारण आख्यान के विभिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं। अनेक विद्वान गौ का अर्थ गाय स्वीकारते हैं, वे इसे गायों को मुक्त कराने का आख्यान मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों को गौ से रश्मि अर्थ अभिधेय है। इस अर्थ को स्वीकारने वाले विद्वान इसे रात्रि के बाद उषा का रूपक मानते हैं। आचार्य चतुरसेन वेद और उनका साहित्य नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि सरमा पणि संवाद में रात्रि के अंधकार के बाद पूर्ण प्रकाश के फैलने का रूपक है। प्रकाश की रश्मियों की तुलना उन गायों से की गई है जिन्हें इंद्र खोज रहा है। सरमा उषा है, पणि अंधकार है, वह अंधकार को खोजकर उसे प्रकाश द्वारा नष्ट करती है। जयदेव विद्यालंकार ने अपने ग्रंथ में सरमा पणि संवाद सूक्त का आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सरमा आत्मिक चेतना, चित्तवृत्ति, विवेक, विवेकी बुद्धि तथा पणि इंद्रियां प्राण और स्थिति योग्य व्यवहार का प्रतीक है। डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार के अनुसार इंद्र आत्मा है और गौवें आत्मिक प्रकाश की रश्मियां। आत्मा इन रश्मियों के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं को प्रकाशित करना चाहती है, परंतु असत रूपी पणि अंतःकरण की इन प्रकाश रश्मियों को पकड़कर छुपा देते हैं। तब आत्मा अपनी दिव्य वाणी रूपी सरमा को दूती बनाकर उनके पास भेजती है। असत विचारों तथा आत्मलोक में बृहत अंतर है, यही उनके बीच की रसा रूपी विस्तीर्ण नदी, जिसे पार कर वह असत विचारों के पास पहुंचती है और आंतरिक अंधकार को दूर करती है। पणियों को असुर के रूप में भी स्वीकारा गया है। वे प्राण रक्षा में रमे हुए स्वार्थी हैं। मानव की इंद्रियां भी जब अपनी आत्मा से विमुख होकर स्वार्थ में रममाण हो जाती हैं, तो यही गौवों की चोरी है। बृहस्पति जो ज्ञान के अधिष्ठाता हैं, यह तथ्य जब समझ लेते हैं, तब शर्मा रूपिणी विवेकिनी बुद्धि, जिसे देवशुनि भी कहा गया है, वह मनुष्य को आत्मोन्मुख करने में सहायता करती है। यदि गायों को ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह कह सकते हैं कि पणि वे शक्तियां हैं जो ज्ञान की प्रगति को रोकती है। पणि ज्ञान का अपहरण करने वाली शक्तियां हैं। प्रस्तुत सूक्त ज्ञान प्राप्त करने के संघर्ष को दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह निश्चित है कि इस सूक्त का मुख्य उद्देश्य विषय की वासना में बंधे व्यक्तियों को मानव की आंतरिक संपत्ति का ज्ञान कराना है। विवेकिनी बुद्धि रूपी सरमा कलुषित वृत्ति रूपी पणियों को जागृत करने के प्रयोजन से एवं उसे ऊर्ध्वगामी तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करने हेतु इंद्रियों को विषय वासना के मोह से बचाने वाले इंद्रियों के रक्षक गोपति अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना रूपी इंद्र की संदेश वाहिका के रूप में विषय वासना रूपी भवसागर को पार कर कलुषित वृत्ति रूपी पणियों के पास जाती है। निष्कर्ष रूप में वेद के विषय में कहा गया है, अनुपक्षीण शक्तयो विभवो यनंताश्च वेद शब्दाः। किंतु वैदिक आख्यानों के माध्यम से ऋषियों ने जो मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम इस आख्यान का वाचार्थ ही ग्रहण करते हैं। यह आख्यान वर्तमान समाज की उपर्युक्त जो विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे मानसिक तनाव, समाज
असंतुलन, विभिन्न जो समाज की समस्याएं हैं उनको, उनका जो मार्ग है, उन समस्याओं को जीतने का मार्ग है वो हमको प्रस्तुत करता है, उसी का निदर्शन सर्मा परिसंवाद रूप में हमको प्राप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।